हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़र परमिशन, अमेजोन यूज़र परमिशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूज़र परमिशन क्या होता है। एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे आपकी एक ऑफलाइन शॉप है उसी तरीके से आप अमेजोन सेलर आपकी ऑनलाइन शॉप है, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप जब कभी भी बाहर जाते हो तो आप अपने दुकान की चाबी किसी ऐसे पर्सन को देके जाते हो, जिम्मेदार पर्सन को देके जाते हो जो आपकी दुकान के केयर कर सके। उसी उसी तरीके से ऑनलाइन ऑनलाइन शॉप की जब आप किसी को परमिशन देते हो तो यूज़र परमिशन एक तरफ से बेसिकली आपके ऑनलाइन स्टोर की चाबी है। यूज़र परमिशन कोई भी दो कंडीशन पर यूज़ करता है। पहली कंडीशन होती है जैसे ऑफिसों में, जब आपका ऑनलाइन बिजनेस, आपका ऑनलाइन शॉप, आपका ऑनलाइन सेलर अकाउंट 2 या 3 पर्सन यूज़ करते हैं या उस पर काम करते हैं तो वो यूज़र परमिशन के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। क्योंकि अमेजोन के रूल के अकॉर्डिंग एक नंबर से, एक इंटरनेट कनेक्शन से, एक ही लैपटॉप पे 2 या 3 सेलर अकाउंट नहीं ओपन किए जा सकते, नहीं चलाए जा सकते। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपका ही नहीं, जितने भी अकाउंट उस सेम लैपटॉप पे सेम नेट कनेक्शन के थ्रू लॉग इन हुए सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यूज़र परमिशन का सबसे ज़्यादा यूज़ SPN के लोग करते हैं, जैसे अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। यूज़र परमिशन, आप जब किसी को यूज़र परमिशन देते हो तो आपके पास यूज़र परमिशन देते समय कंडीशन होती है कि आप यूज़र को किस किस चीज़ की परमिशन दे रहे हो, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार हमने किसी को यूज़र परमिशन दे दिया, कल को अपना वो हमारे सेलर अकाउंट से अकाउंट बैंक डिटेल चेंज कर देगा और सारे पैसे वो अपने अकाउंट में मंगा लेगा। ऐसा भी नहीं होता फ्रेंड। यूज़र परमिशन देने के बाद कभी भी कोई भी यूज़र आपकी अकाउंट डिटेल चेंज नहीं कर सकता। अकाउंट डिटेल चेंज करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी यूज़र के पास होता है, जिसके पास उसका मेन अकाउंट का एक्सेस होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप किसी भी पर्सन का कोई भी सेलर अकाउंट किसी भी रीज़न से सस्पेंड हुआ है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट करवा के दे दूँगा। तो यूज़र परमिशन कैसे देते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है, तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो पे। सबसे पहले अपना सेलर पैनल लॉगिन कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का, व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड आपको, ठीक है। सेटिंग पे आना है, सेटिंग में जैसे ही आप आओगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आपको आना है यूज़र परमिशन, आपको ये दिख रहा होगा यूज़र परमिशन, ठीक है। यूज़र परमिशन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा यूज़र परमिशन, और यहाँ पे होगा ऐड ए न्यू यूज़र। आप जिसको परमिशन देना चाहते हो, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डालनी है। आप उसका नाम भी डाल सकते हो, बट मैं दोनों जगह ईमेल आईडी डालता हूँ, आपको इसमें तो नाम डालना है और इसमें ईमेल आईडी डालनी है। बट अगर आप नाम नहीं डालना चाहते हो तो दोनों में ईमेल आईडी डाल देंगे, चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे दिखेगा इनवाइट का ऑप्शन, ठीक है, इनवाइट, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इनवाइट करोगे तो आपके पास आएगा योर इन्विटेशन हैज़ बीन सेंड, मतलब आपने जिस बंदे को इन्विटेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है उसके पास इन्विटेशन की मेल चली गई है, ठीक है। अब मैं आपको देखिए, ठीक है, आप इस इनविटेशन की मेल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा ओपन फ्लोइंग यूआरएल इन ए न्यू ब्राउजर विंडो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिस अकाउंट पर आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो अकाउंट यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे एक्सेप्टिंग इन्विटेशन आएगा, ठीक है। सिलेक्ट मार्केट प्लेस टू गेट स्टार्ट, मतलब amazon.in से हम भेज रहे थे, amazon ही मार्केट प्लेस हो गया। सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करते देखिए दोस्त, हमने सक्सेसफुली यूज़र परमिशन के थ्रू हमने उनके अकाउंट में एंटर कर दिया। देखिए जहाँ यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों की मैंने परमिशन ले रखी है, बहुत सारे क्लाइंटों की परमिशन ले रखी है, ठीक है। अब क्या है दोस्त, परमिशन तो ले ली बट मैं इनके अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकता। आप देखेंगे यहाँ सब कुछ डैशबोर्ड खुल के आगे, लेकिन कुछ भी मुझे शो नहीं कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इनविटेशन एक्सेप्ट करी है,
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे दोबारा उसी अकाउंट में जाना है। इस इनविटेशन मैंने इस प्राइमरी अकाउंट से इनविटेशन भेजी थी, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने जिसको परमिशन भेजी है मुझे उसको परमिशन अलाउ भी करनी है कि मुझे मैं उसको किस किस चीज़ की परमिशन देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आप आएंगे सेटिंग पे, यूज़र परमिशन पे, ठीक है। आप देखिए आपको यहाँ दिखाएगा कि आपने अजीत कुमार को परमिशन भेजी है, उन्हें एक्सेप्ट कर ली है। तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा मैनेज परमिशन का, तो आप जैसे ही मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारी ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपको अब आपको ये देखना है कि मुझे सामने वाले को किस किस चीज़ की परमिशन देनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एडवर्टाइजिंग की देनी है, ठीक है। तो इस पर मुझे क्या करना है, देखिए तीन ऑप्शन है, ओनली व्यू। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरे मेरे पैनल को अपने पास व्यू कर सकता है, ठीक है। दूसरी परमिशन दूंगा व्यू एंड एडिट की, ठीक है। तो वो व्यू भी कर सकता है और कुछ चीज़ एडिट करनी होगी तो एडिट भी कर सकता है, ठीक है। और एडमिन की दूंगा, और सिर्फ इस कॉलम की, आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग की परमिशन दे रहा हूँ मैं, मतलब एडवर्टाइजिंग में मैंने उसे एडमिन बनाया, मतलब एटलीस्ट वो सब कुछ कर सकता है मेरे अकाउंट में, ठीक है। इसी तरीके से हम अब मैं परमिशन ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सब में एडमिन एडमिन कर लूँगा, क्योंकि मुझे तो प्रॉपर अकाउंट ही देखना है। तो मैंने सब में सब एडमिन एडमिन एडमिन, इन्वेंट्री होगा देखो आपको इंटरनल, यहाँ सारी चीज़ मीडिया अपलोड ऑर्डर्स सब चीज़ की परमिशन ले, परफॉर्मेंस प्राइजिंग रिपोर्ट्स, ठीक है, सर्विस सेटिंग स्टोर डिजाइन हर चीज़ की मैंने उसे एडमिन 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 सेलेक्ट कर लिया, मैंने हर चीज़ की परमिशन दे दी उसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, परमिशन देने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए आपको ऊपर दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यू हैव सक्सेसफुली मॉडिफाइड द परमिशन हाईलाइटेड बिलो, ठीक है। आपने मतलब आपने रिक्वेस्ट भेज दी, सक्सेसफुली चला गया। एक बार और कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू कर दिया। अब जैसे ही उस पर आएंगे देखिए, जैसे ही इस अकाउंट पे जब आपने परमिशन ली, जैसे इस पर आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको सारा डैशबोर्ड दिखने लग गया, सारे ऑप्शंस आने लग गए यहाँ पे साइड में। अब सब कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं इस अकाउंट में। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिखाया है कि यूज़र परमिशन कैसे देते हैं किसी को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।